27 जून को फ्रेंच पुलिस अफसर ने नाहिल एम नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को लेकर फ्रांस में फिलहाल विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर मुस्लिम शरणार्थी चढ़े हुए हैं और फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। मेजर सुरेंद्र पुनिया और सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर कुमार जैसे कई राइट विंग यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। हालांकि वीडियो के बारे में छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो पुराना है और इसका हाल में फ्रांस में चल रहे प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें मार्च 2019 का AFP का ये वीडियो मिला। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल अजीज बुआटफ्लिका के 5वें कार्यकाल के विरोध में झंडे लहराते प्रदर्शनकारियों ने पेरिस के प्लेस डे ला रिपब्लिक पर कब्जा कर लिया था। स्टॉक इमेज वेबसाइट अलामी पर भी 3 मार्च 2019 की ये तस्वीर मिली। उस दिन फ्रांस के पेरिस में प्लेस डे ला रिपब्लिक में अल्जीरियाई राष्ट्रपति के 5वें कार्यकाल के लिए चुनाव में उतरने के फैसले के खिलाफ रैली निकाली गई थी और ये तस्वीर उसी की है। दरअसल 10 फरवरी 2019 को ये बात सामने आई थी कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति 5वें कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे, जिससे उत्तरी अफ्रीकी देश में कई विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। फ्रांस 24 की पत्रकार सेलिना ने भी इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो ट्वीट किया था। यानी वायरल वीडियो हाल का नहीं बल्कि मार्च 2019 का है, जब लोग अल्जीरिया के राष्ट्रपति के 5वें कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे थे।